नमस्कार दोस्तों, साल 2016 में एक ऐसा नया स्कैम सामने आया जिसने पूरे इंडिया के बच्चों की नींद उड़ा के रख दी। इंडिया के अंदर रोज नए नए स्कैम्स आते रहते हैं, कभी विजय माल्या स्कैम तो कभी हर्षद मेहता स्कैम तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। लेकिन इन सब स्कैम्स में एक कॉमन चीज है और वो है मनी, यानी कि ये सारे के सारे स्कैम्स किए जाते हैं मनी बेसिस पे। लेकिन एक ऐसा स्कैम जो मनी बेसिस पे नहीं है, एक ऐसा स्कैम जिसने किसी बिजनेसमैन की या फिर किसी बैंक की या फिर किसी पॉलिटिशियन की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि नींद उड़ाई बच्चों की, और वो स्कैम है द रोल नंबर स्कैम। लेकिन क्या है ये स्कैम और किस तरीके से काम करता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि सेम नाम के हजारों बच्चे इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कैम की खास बात ये है कि जो बच्चे होते हैं उनका नाम तो सेम होता है लेकिन उनका रोल नंबर भी सेम होता है। एक जो रोल नंबर है वो ओरिजिनल होता है और एक होता है डुप्लीकेट। अब अलग अलग एडमिट कार्ड्स के ऊपर उनके नाम और रोल नंबर तो सेम होते हैं लेकिन पेरेंट्स और वो रहते कहाँ, ये जो सारी डिटेल्स होती है वो अलग अलग होती है। 2016 में BSCBR की बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक टॉपर लड़की जिसका नाम था रूबी राय, उसका एक इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू के बाद पता चलता है कि बिहार बोर्ड में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। और पॉलिटिकल साइंस कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? के तुरंत बाद बिहार स्टेट गवर्नमेंट एक 3 मेंबर्स की सिट बनाती है। सिट का यहाँ पे मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और मेन लीडर के तौर पे मनु महाराज जो कि IAS थे उनको रखा जाता है। कुछ टाइम इन्वेस्टिगेशन के बाद मनु महाराज बताते हैं कि 42 बच्चों को दो दो रोल नंबर, दो दो रजिस्ट्रेशन नंबर और दो रिजल्ट कॉपीज प्रोवाइड की थी स्कूल बोर्ड द्वारा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस चीज ने केस को एक नया मोड़ दिया है। इसी तरीके से 2022 के अंदर UPSC सिविल सर्विसेज का जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि सेम नाम के दो लड़के विद सेम रोल नंबर विद सेम रैंक आए गए हैं, जिनमें से एक फ्रॉड था और एक सही था। अब आप सोच के देखिए, किसी का नाम सेम हो सकता है, किसी के फादर का नाम भी सेम हो सकता है, किसी की रैंक भी सेम हो सकती है, लेकिन किसी का रोल नंबर सेम हो जाए ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि UPSC एक बहुत बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था इतनी बड़ी गलती करेगी, इसके होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद एक और सेम ऐसा ही केस आया जिसमें 2 MP की लड़कियाँ थी, सेम रोल नंबर सेम नाम, और दोनों की दोनों ये क्लेम करती है कि हमारी 184th रैंक आई है। यानी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ रोल नंबर स्कैम के द्वारा। अब ये जो स्कैम है ये MP के व्यापम स्कैम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। MP का व्यापम स्कैम, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, MP के व्यापम स्कैम में किसी को भी ब्राइब करके यानी कि रिश्वत देके आप अपना काम निकलवा सकते थे। जब सिविल सर्विसेज की या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स आते थे तो बच्चे वहाँ पे क्या करते थे, किसी पॉलिटिशियन को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे देके सीटिंग प्लान को मैनिपुलेट करवा देते थे, या फिर किसी और को अपनी जगह बैठवा देते थे, या फिर अपने एडमिट कार्ड पे से टेम्परेरीली अपना फोटो हटवा के किसी और का फोटो लगवा देते थे ताकि दूसरा बंदा उनकी जगह बैठ के एग्जाम दे सके, या फिर आंसर की को लीक करवा दिया जाता था, या फिर रिश्वत देके किसी सरकारी कर्मचारी को शीट्स को एक्सचेंज करवा दिया जाता था। तो ये सब होता था व्यापम स्कैम के अंदर। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडिया के अंदर एक ऐसा टाइम आएगा कि स्टूडेंट UPSC वगैरह सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम देने छोड़ देंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है, सरकार को इस चीज पे रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना। 29 मार्च को इसके ऊपर एक नई मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था पटना शुक्ला, जो कि इसी स्कैम के ऊपर थी। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी वो जाके जरूर देखना, अगर आपको डीपली इन सब चीजों को समझना है तो। इस मूवी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा और ना ही इस मूवी की तरफ से मुझे कोई प्रमोशन मिला है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको इन सब चीजों की और गहरी नॉलेज हो जाए। फालतू की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह पर देखने से अच्छा है कि आप कोई काम की मूवी देखो जो आपके काम आए और आपका भविष्य बचाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।